विदिशा जिले की सियासी ग्राम पंचायत से एक हितग्राही महिला के रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर हितग्राही महिला जिला पंचायत सीईओ से शिकायत करने पहुंची, जिसमें बताया गया कि उसकी बेटी की शादी के दौरान शासन द्वारा दिए गए 25,000 रुपए में से उन्हें सिर्फ 15,000 रुपए ही दिए गए हैं। इस मामले को लेकर सरपंच रामबाई हितग्राही शीलाबाई के साथ पंचायत सीईओ के पास पहुंची। शिकायत में बताया गया कि रोजगार सहायक जितेंद्र राठौर ने शीलाबाई की बेटी की शादी में शासन द्वारा दिए गए 25,000 रुपए में से 15,000 रुपए ही दिए हैं। किसकी शिकायत करने आई हो? जितेंद्र राठौर। कौन है जी? रोजगार सहायक है। हाँ। तो क्या शिकायत करने आई हो? शादी थी 25,000 रुपये। हाँ। 10,000 खा लाए, 15,000। तो क्यों खा लाए? वो जे बोल रहे थे कि ऊपर देते हैं। अच्छा अच्छा, तो बच्चे की शादी में से आपसे 25,000 में 10,000 रुपये ले लिए। हाँ। के ऊपर खिलाना पड़ते हैं। हाँ। तो जी आप किसको लेके आई हो? जी शीला भाई को। क्या हुआ शीला भाई को? शीला भाई की लड़की की शादी हुई थी पिछले साल। हाँ हाँ हाँ। तो उनसे कन्या योजना के 25,000 रुपए निकले थे। हाँ हाँ। तो 10,000 रुपया रोजगार सहायक ने ले लाए। क्या नाम है उसका? उसका जितेंद्र राठौर। तो वो किस लिए तो वो कह लो कि 10,000 रुपया ऊपर खिलाते हैं। इस मामले में अधिकारी का कहना है कि विवाह के बाद मिलने वाली राशि हितग्राही के खाते में सीधे डाली जाती है, उसमें पंचायत या रोजगार सहायक का कोई लेना देना नहीं होता। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसमें जो दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने भी संज्ञान में दिलाया है और इसकी जाँच कराई जाएगी, उसके बाद ही कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि शासन के द्वारा तो खाते में हितग्राही के खाते में सीधा पैसा दिया जाता है, तो इसमें पंचायत स्तर से तो पैसा दिया नहीं जाता, तो सीधा खाते की राशि में आता है, खाते में राशि आती है। तो इसका वेरिफिकेशन कराने के लिए कहा और उनको ये भी सूचित करा है, क्योंकि अगर किसी GRS ने उसे धोखाधड़ी करके करा तो उसको पुलिस में भी रिपोर्ट करा। JSR टाइम्स के लिए विदिशा से अविनाश नामदेव की रिपोर्ट।